कौन सा प्रॉब्लम इसको? हाँ कैसे भाई? विविल्डेंट विविल्डेंट तो ये भी है, ये ओपनिंग्स कहीं के लिए होती है वो, ठीक है, फॉर वेंटिलेशन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? इसोफेगोस्कोप इज टू एग्जामिन द इसोफेगस एंड रिमूव एनी फॉरेन बॉडीज, ठीक है, इसमें फॉर एग्जामिनिंग द ट्रेकिया। इसमें आप इसोफेगोस्कोप डालोगे, ठीक है, एयरवे तो उसका ओपन है, एयरवे ओपन करने की एयरवे, सो वी कैन पुट द एंडोट्रेकियल ट्यूब सो दैट द पेशेंट कैन वेंटिलेट। इस केस में इसको आप एयरवे में डाल रहे हो, सो हाउ विल द पेशेंट वेंटिलेट? इन दैट केस दे आर दीज पोर्ट्स फॉर वेंटिलेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट नेजल इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ, नोज के इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? थ्यूडिकम, थ्यूडिकम नेजल स्पेकुलम फॉर एंटीरियर राइनोस्कोपी। कैसे पकड़ते हैं इसको मालूम है? इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से ऐसे इसको हैंग किया, देन विद द हेल्प ऑफ मिडिल एंड रिंग फिंगर, थंब से ऊपर स्टेबलाइज किया, मिडिल एंड रिंग फिंगर से इसको प्रेस करके वी इंसर्टेड इनटू द नेजल कैविटी, ठीक है। क्या क्या दिखता है इसमें? कौन कौन से? सारे तीनों, इन्फीरियर टर्मिनेट एंड मिडिल टर्मिनेट एंड इन्फीरियर एंड मिडिल मीटर्स एज वेल एज द नेजल सेप्टम। ये क्या है? हाँ ये बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज एश, ठीक है, एश नेजल सेप्टम रिड्यूसिंग फोर्सेप्स। व्हेनेवर देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द नेजल सेप्टम, फ्रेश फ्रैक्चर ऑफ द नेजल सेप्टम विद द हिस्ट्री ऑफ नॉट मोर देन वन वीक, क्या करते हैं इसको नेजल कैविटी में डाल के सेप्टम को पकड़ के वी ब्रिंग इट इन द मिड लाइन, ठीक है। एशेस नेजल सेप्टम रिड्यूसिंग फोर्सेप, एंड अदर फोर्सेप इज द वॉल्शम फोर्सेप। वॉल्शम फोर्सेप और इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसके दोनों एंड्स ओवल होते हैं, ठीक है। वॉल्शम में एक एंड, वन एंड इज स्ट्रेट, वन एंड इज ओवल, वन एंड इज स्ट्रेट। वॉल्शम फोर्सेप इज यूज फॉर रिड्यूसिंग नेजल बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है, नेजल बोन फ्रैक्चर। दिस इज फॉर मीनिंग रिड्यूसिंग द सेप्टम, दैट इज फॉर नेजल बोन फ्रैक्चर। वॉल्शम है नहीं इसमें, वो कहाँ गया? स्पेकुलम कहाँ गया? नेजल स्पेकुलम, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से, ठीक है, पेशेंट मान लो ये है, आप देख रहे हो, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से, प्रॉन्ग शुड बी टुवर्ड्स द पेशेंट, ठीक है, इंडेक्स फिंगर से ऐसे हैंग किया, थंब से स्टेबलाइज किया ऊपर से विद द हेल्प ऑफ मिडिल एंड रिंग फिंगर, इसको ऐसे प्रेस क्लोज करके देन वी इंसर्टेड एंड देन ओपन, ठीक है, हमेशा क्लोज करके इसको निकालना होता है। एंड वेन वी हैव टू टेक इट आउट, ओपन पोजिशन में इसको निकालना होता है, क्लोज करके नहीं निकालना है। क्लोज करके निकालेंगे तो क्या होगा? हेयर विल गेट ट्रैप्ड इन टू इट। हाँ ये बताओ, वॉट इज दिस? कौन सी फोर्स है? दिस इज टिलीस, टिलीस नेजल पैकिंग फोर्स है, यूज फॉर एंटीरियर नेजल पैकिंग। एंड दिस इज टर्बिनेक्टमी सीजर्स, ठीक है, टर्बिनेक्टमी सीजर। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? दिस इज ब्लेड, ये ब्लेड होते हैं इसमें, ठीक है, शार्प ब्लेड्स है इसमें। दिस इज ब्लंट, ये पूरा ब्लंट है इसमें, ये कटिंग के लिए होता है। दिस इज फॉर मेनली पैकिंग, इसमें कटिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट वो नहीं है, मेनली यूज फॉर एंटीरियर नेजल पैकिंग। हाँ दिस वन इज टर्बिनेक्टमी सीजर, ठीक है, सीजर है इसके एंड में बस, ठीक है, सीजर जो होती है, खैची होती है, वो होती है बस इसमें। हाँ ये क्या है? किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेकुलम यूज फॉर एग्जामिनिंग द नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी में डाला, इसको ओपन किया, वी कैन सी द नेजल कैविटी एंड ऑल्सो यूज फॉर डूइंग सर्जिकल प्रोसीजर इन द नेजल कैविटी। इसमें स्क्रू भी होता है, स्क्रू क्या होता है इसमें? डाल के हमने इसको क्लोज ऐसे कर दिया, नाउ वी कैन हैव अ हैंड्स फ्री अप्रोच इन टू द नेजल कैविटी, ठीक है, दिख रहा है? हाँ ये क्या है? वॉट इज दिस? डबल एक्शन बोन निबलर, दिस इज फॉर रिड्यूसिंग नेजल बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है, ऑल्सो यूज इन राइनोप्लास्टीज। डबल एक्शन क्यों है इसमें? दो जगह स्क्रू इसमें, ठीक है, दो जगह स्क्रू दिख रहे हैं इसमें, यूज फॉर रिड्यूसिंग नेजल बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है। डबल एक्शन क्या? स्क्रू दिख रहे हैं दो इसमें, जब इसको मूव करते हैं, हाँ तो डबल एक्शन नहीं हुआ इसमें, दो स्क्रू मूव नहीं कर रहे इसमें। डबल एक्शन क्या फंक्शन है? अलग काम कुछ नहीं, इट इज मेनली यूज, डबल एक्शन इसलिए होता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उसकी,
ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग द नेजल बोन फ्रैक्चर. नेजल बोन फ्रैक्चर है उसको हमें मिड लाइन में लाना है, उसको हमें रीफ्रैक्चर करना है. रीफ्रैक्चर करने के लिए वी नीड मोर पावर, ठीक है, इसलिए इसमें डबल एक्शन होता है इसमें. हाँ, इंट्रोड्यूस इधर नेजल कैविटी में, यहाँ नेजल बोन फ्रैक्चर को इसको रिड्यूस करने के लिए. ये क्या है? लिक्विड्स, ट्रोकार एंड कैनुला यूज फॉर डूइंग एंट्रोस्टोमी. ठीक है, ओपनिंग बनाते हैं इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम. इसको इंसर्ट किया, ऐसे निकाल दिया इसमें, देन वी यूज इट टू ड्रेन द पस दैट इज बीइंग फिल्ड इन द मैक्सिलरी एंट्रम. और ये क्या होता है? हाइगिंसन्स रबर ट्यूब. दिस इज फॉर मेनली लवाज ऑफ द, दिस इज समटाइम्स यूज फॉर इन द लवाज ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम. आजकल यूज होता है नहीं होता है ये? आजकल इसको यूज करते हैं कि नहीं करते या कुछ और करते हैं? इज दिस फिजिबल और नॉट दिस मेथड? यहाँ ओपनिंग बना के आप ड्रेन कर रहे हो. नाउ डेज वी यूज रिफर फेस दैट इज फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. उसमें क्या करोगे? एंडोस्कोप डालोगे, एंडोस्कोप से यहाँ से ओपनिंग, नोज के अंदर से ओपनिंग बना रहे हो आप, एंड वी यू आर ड्रेनिंग द पस. ओपनिंग कहाँ बना रहे हो? मिडिल मीटर्स में, जिसमें आप बाहर से ओपनिंग बना रहे हो. दिस इज मेनली अ वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर एंड यू कैन नॉट डू इट इन द पीडियाट्रिक पेशेंट्स. क्यों? यहाँ पे आप बोन रिमूव कर रहे हो यहाँ से. सो व्हाट विल हैपन? पेशेंट विल हैव फेशियल डिफॉर्मिटी लेटर इन लाइफ बिकॉज बोनी ग्रोथ विल बी हैम्पर्ड. ठीक है, नोज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. नाउ ये ईयर के इंस्ट्रूमेंट है. व्हाट इज दिस? मॉलिसंस मैस्टॉइड डिटेक्टर. दिख रहा है? मॉलिसंस मैस्टॉइड डिटेक्टर यूज इन मैस्टॉइडेक्टमी. मैस्टॉइडेक्टमी करने के बाद वी हैव यूज इट टू रिट्रैक्ट द सॉफ्ट टिश्यू. एंड क्या करते हैं उसमें? देखिए मैस्टॉइडेक्टमी, देखी है? नहीं देखी आज तक? किसी ने नहीं देखी? मैसिवेंस ट्रायंगल मालूम है क्या होती है? व्हाट आर द बाउंड्रीज? सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू रिमूव करते हैं. ठीक है, वी हैव एक्सपोज द मैसिवेंस ट्रायंगल. सो सॉफ्ट टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए वी अप्लाई दिस रिट्रैक्टर एंड वी एक्सपोज द मैसिवेंस ट्रायंगल. मैसिवेंस एंट्रम कितना डीप होता है? मैसिवेंस ट्रायंगल 12.5 mm. वी स्टार्ट ड्रिलिंग इन द मैसिवेंस ट्रायंगल. बाउंड्रीज क्या है पढ़ लेंगे आप लोग. मालूम है बाउंड्रीज क्या होती है? क्या होती हैं? फर्स्ट इज द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन. ठीक है, इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन. देन सेकेंड इज द वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्टिक क्रेटर. जहाँ ये दोनों मीट करती हैं दैट इज द मैसिवेंस ट्रायंगल. दैट एरिया इज नोन एज द मैसिवेंस ट्रायंगल. उसके ऊपर आप चले जाओगे तो क्या होगा? ड्यूरा. ठीक है, उसके पोस्टीरियरली आप जाओगे देन विल हैव साइनस सिग्मॉइड. सिग्मॉइड साइनस. ठीक है, ये क्या है? लैम्पर्ट्स क्यूरेट. ठीक है, दिस इज फॉर रिमूविंग द बोनी ओवरहैंग फ्रॉम आफ्टर डूइंग मैस्टॉइडेक्टमी. ये क्या है? बोन गाउज. बोन गाउज. ठीक है, बोन गाउज दिस इज यूज विद हैमर. ठीक है, कई के लिए यूज करते हैं इसको. दिस इज फॉर मैस्टॉइडेक्टमी. कभी देखा है यूज होते हुए? नहीं देखा है. नहीं देखा है, ये आजकल यूज नहीं होता है. ठीक है, वी यूज इट मैसिवेंस ट्रायंगल को एक्सपोज करने के बाद वी यूज माइक्रोमोटर ड्रिल. ड्रिल होती है, ड्रिल से वी ओपन द मैस्टॉइड एंट्रम. जब ड्रिल नहीं था देन वी यूज टू हैव यूज दिस बोन गाउज. बोन गाउज वहाँ मैसिवेंस ट्रायंगल के ऊपर रख के मार के इसको देन वी यूज टू ओपन द मैस्टॉइड एंट्रम. ये क्या है? दिस इज जॉबसन्स प्रोब. ठीक है, जॉबसन्स प्रोब. दिस इज मेनली फॉर रिमूविंग द फॉरिन बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. इसका एक एंड यू होता है, कर्व्ड होता है इसका. ठीक है, वी इंसर्टेड इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फॉरिन बॉडी के पीछे डाल के वी रिमूव इट. ये कर्व दिख रहा है ना इसका? दिस इज नोन एज जॉबसन्स प्रोब फॉर रिमूविंग द फॉरिन बॉडीज फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, टॉन्सिल के इंस्ट्रूमेंट्स को रख देना, कोई टाइम नहीं होना चाहिए यहाँ से इंस्ट्रूमेंट. हाँ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बॉयल डेविस माउथ गैग. ठीक है, थ्री पार्ट्स होते हैं इसके, बीच में एक पार्ट मिसिंग है इसका. ठीक है, ये टंग को एलिवेट करने के लिए होता है. दिस इज फॉर द अपर लिप. अपर लिप एंड द अपर इंसाइजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी इंसर्टेड इन द ओरल कैविटी. ठीक है, ऐसे ओपन किया इसको. ठीक है, एंड देन वी अप्लाई. यहाँ पे क्या लगाते हैं? दो डंडे से लगते हैं, क्या होता है वो?
Refins bipod. ठीक है, दिस इज फॉर प्रोवाइडिंग द हैंड्स फ्री व्यू ऑफ द ओरोफेरिंग्स एंड द नेसोफेरिंग्स. इसका बीच का पार्ट नहीं है, मतलब ये ऐसे फिक्स होता है यहाँ पे. ठीक है, ऐसे होता है ये. ठीक है, ये इसके ये नीचे होता है इसके. ठीक है, देन वी ओपन इट लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ऐसे खुल जाता है ये पूरा. दिस इज फॉर मेनली प्रोटेक्टिंग द अपर लिप एंड द अपर इंसाइजर्स. ठीक है, दिस इज फॉर मेनली डूइंग प्रोसीजर इन द ओरोफेरिंग्स एंड नेसोफेरिंग्स. ठीक है, आफ्टर दिस ये क्या होता है, डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स. ठीक है, डेनिस ब्राउन टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स, दिस इज ट्रोमेटिक फोर्सेप. ट्रोमेटिक क्यों होता है, बिकॉज इट हैज सिरेशंस एट द अपर एंड. एक होता है नॉन ट्रोमेटिक, उसमें सिरेशंस नहीं होते हैं. ठीक है, नाउ इसको क्या फंक्शन क्या होता है, वी होल्ड द अपर पोल ऑफ द टॉन्सिल. ठीक है, पुल इट इन द मिड लाइन. मिड लाइन में पुल करने के बाद वी गिव एन इंसीजन ओवर द अपर पोल ऑफ द टॉन्सिल. देन आफ्टर गिविंग एन इंसीजन वी यूज दिस टॉन्सिलर डिसेक्टर एंड एंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर. विद दिस एंड दैट इज अ डिसेक्टिंग एंड, वी डिसेक्ट द टॉन्सिल फ्रॉम द टॉन्सिलर बेड. टॉन्सिलर बेड से पूरा सेपरेट किया उसको अप टू द लोअर पोल. आफ्टर रीचिंग द लोअर पोल दिस इज ईव्स ईव्स टॉन्सिलर स्नेयर. ठीक है, इसके एंड में एक वायर होता है. वायर को वायर के अराउंड टॉन्सिल को रैप किया, लोअर इट अप टू द लोअर पोल एंड देन वी क्रश द लोअर पोल ऑफ द टॉन्सिल. ठीक है, आफ्टर टेकिंग आउट द टॉन्सिल वी नीड टू इंस्पेक्ट द टॉन्सिलर बेड वेदर देर इज एनी टिश्यू और एनी सेफ ब्लीडिंग फ्रेश ब्लीडिंग लेफ्ट. सो वी डिट्रैक्ट द एंटीरियर पिलर ऑफ द टॉन्सिल एंड इंस्पेक्ट द टॉन्सिलर बेड. ये क्या है, सेंट क्लेयर थॉमसन्स एडेनॉइड क्यूरन. ठीक है, दिस इज विद गार्ड एंड दिस वन इज विदाउट गार्ड. ठीक है, दिस इज हेल्ड इन अ डैगर लाइक पोजिशन. ठीक है, डैगर लाइक पोजिशन ऐसे पकड़ के वी स्टैंड एट द हेड एंड ऑफ द पेशेंट. पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, उसके नेसोफेरिंक्स में डाला एंड वी शेप द एडेनॉइड्स. ठीक है, एंड दिस गार्ड इज फॉर होल्डिंग द टिश्यू सो दैट इट डजंट फॉल ऑफ इन टू द एयर वे. ड्यू जैसे हेड एंड है यहाँ पे. ठीक है, मॉल डेविस माउथ गाइड लगा दिया हमने. मॉल डेविस माउथ हेड एंड पेशेंट हम हेड एंड पे खड़े होते हैं. वी ऐसे हेड डैगर लाइक पोजिशन इंसर्ट इन टू द माउथ ऑफ द पेशेंट इन टू द नेसोफेरिंक्स. एडेनॉइड्स को होल्ड करके वी रिमूव इट लाइक दिस. ठीक है, सिमिलरली ये होता है, दिस इज वन, दिस वन इज विदाउट गार्ड. ये पता है ये कौन सा मिरर है, लैरिंजियल मिरर. ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, एक और मिरर होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ऐसे कर्व्ड होता है, दिस वन इज स्ट्रेट. ये कौन सी ट्यूब है, फुलर्स, ये फुलर्स होती है. दिस इज कफ्ड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब. ठीक है, दिस इज कफ्ड पॉर्टेक्स ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब. कफ क्यों होता है, बिकॉज इट हैज एन बैलून एट द एंड. लैरिंजोस्कोपी मिरर है नहीं यहाँ पे. दिस इज स्ट्रेट, ये लैरिंजोस्कोपी मिरर स्ट्रेट होता है. ठीक है, दूसरा ऐसे ही सिमिलर होता है, बट दैट वन इज कर्व्ड. ऐसे यू उसका हैंडल यू ऊपर जाता है, फिर देन इट कर्व्स लाइक दिस. ऐसे कर्व्ड होता है, क्यों होता है, बिकॉज वी नीड टू एग्जामिन द नेसोफेरिंक्स. नेसोफेरिंक्स के लिए होता है. इसको हम यू इंसर्ट करते हैं ओरल कैविटी के अंदर, उसको हम यू इंसर्ट करते हैं ये, ताकि वो जो है टंग को प्रेस ना करे वो. ठीक है, अगर ये इसको हम डालेंगे वो दैट विल प्रेस द टंग एंड दैट विल इंड्यूस गैग रिफ्लेक्स. ये कौन सी ट्यूब है, कौन सी जैक्सन है, कौन सी फुलर है, दिस वन इज जैक्सन्स मेटेलिक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, दिस वन इज फुलर्स. ठीक है, जैक्सन में क्या होता है, इट हैज आउटर ट्यूब एंड एन इनर ट्यूब एंड एन ऑब्टुरेटर. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर ये ब्लॉक हो जाती है वी कैन टेक आउट द इनर ट्यूब, वॉश इट एंड पुट इट बैक. ठीक है, जो पॉर्टेक्स वाली होती है अगर ये ब्लॉक हो जाए तो वी हैव टू चेंज द होल ट्यूब. फुलर्स में क्या एडवांटेज होता है, इट हैज़ एन ओपनिंग एट द अपर एंड. व्हेन वी हैव टू वीन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द ट्रेकियोस्टोमी वी क्लोज टेक आउट दिस ट्यूब क्लोज दिस ओपनिंग. ठीक है, अगर पेशेंट इज एबल टू मेंटेन हिज रेस्पिरेशन थ्रू दिस ओपनिंग दैट मीन्स द एयर वे इज पैटर्न्ड नाउ वी कैन टेक आउट द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब.
इस केस में अगर ये वाली ट्यूब डली हो तो क्या करते हैं, ड्यूरिंग वीनिंग ऑफ वी टेक आउट दिस ट्यूब, मेक एन ओपनिंग ओवर हियर एंड देन पुट इट बैक एंड देन क्लोज इट. अगर पेशेंट ब्रीथ कर रहा है दैट मीन्स पेशेंट नो लॉन्गर नीड्स द ट्रेकोस्टोमी ट्यूब. ये क्या है, दिस इज ट्रेकियल डायलेटर. ठीक है, आफ्टर गिविंग एन इंसिजन इन द ट्रेकिया वी इंसर्ट दिस ट्रेकियल डायलेटर एंड ओपन इट एंड थ्रू दिस ट्रेकियल डायलेटर वी इंसर्ट द ट्रेकोस्टोमी ट्यूब. ये क्या है, दिस इज ट्रेकियल हुक फॉर रिट्रैक्टिंग द थायरॉइड कार्टिलेज एंड द अपर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द अबव द ट्रेकिया सो दैट द ट्रेकिया बिकम्स मोर सुपरफिशियल. दिस इज ट्रेकियल हुक. ठीक है, ठीक है, देख लिया आप कुछ कंफ्यूजन, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है. ये शार्प है, ये ब्लंट है. ठीक है, बस ये देख लेना, दिस वन इज शार्प, ये पॉइंटेड है, दिस वन इज ब्लंट. ठीक है, जाओ देख लिया सबने.